अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जोगी यहाँ पे आज आपको दिखाने लगे हैं घोड़ी। ये पिछले डेज एक गेनी फॉल्स डॉग ने मार दी बाइट से। ये 16 थी मेरे ख्याल, जो बच्चे इस सीज़न के थे और यहीं पे घूम रहे थे उस साइड पे, वो जहाँ पे इस टाइम घोड़ा बंधा हुआ है। तो आवारा कुत्ते थे लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी काफ़ी नुकसान किया मुर्गे शुरगे। तो ये अक्सर आ जाती हैं यहाँ पे घूमने शुमने, यहाँ पे फिरते रहना। वो फिर एक थोड़ी सी इनमें है भी, वीक थी, छोटी थी, तो वो पकड़ ली फिर। लेकिन जब इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तब पता चला कि लगता है कुछ हुआ है। और पीछे से जब भाई इधर आके देखा तो कुत्ते ने मुंह में दबोची हुई थी और छुड़वा तो ली, लेकिन तब तक बेचारी मर चुकी थी। ये फिर सारी इन्होंने यहाँ से जंपिंग की और अंदर हवेली के एंटर हो गई थी। तो डॉग्स भी बस बहुत नुकसान करते हैं और ये अक्सर यहीं पे पानी शानी लगाता है, कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह निकले होते हैं तो इसलिए यहाँ पे खाने वगैरह के लिए आ जाती हैं। मुर्गे भी वो फिर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी फीमेल हॉर्स है जिसके ऊपर मैंने 2 से 3 या 4 दफ़ा शायद राइडिंग की है। इसको पानी में ठहराया हुआ है खुद ही यहाँ पे। इसके घुटनों में मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम है, सूज जाते हैं नीचे से जो घुटने होते हैं। तो वो किसी एक्सपर्ट ने बताया जो काफ़ी उसका नॉलेज है, बल्ला बेहतर जाने कुछ फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा कि इसको आप पानी में ठहराया करें यहाँ पे काफ़ी टाइम, 2-2, 3-3 घंटे, तो ये कुछ डेज़ या कुछ वीक्स में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको 2-4 घंटे फिर पानी जमा करके यहाँ पे ठहराया जाता है। आज फर्स्ट डे है इसका और देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस टाइम फर्स्ट डे है इसका, फर्स्ट टाइम है तो दिल नहीं इसका कर रहा ठहरने को। और कोशिश है इसकी यहाँ से खुलूं और चलें साथ अंदर, लेकिन ये इसकी बेहतरी के लिए ही है ताकि सेट हो जाए अगर कोई प्रॉब्लम है इसको। चलिए अंदर चलते हैं। बाकी ये डॉग्स अभी मैं चलूँगा तो ये पीछे से इसका मूड बनेगा जाने का। ये देखें किस तरह रिएक्ट कर रही है इस तरफ आने का। इनमें भी यार एक तो मैंने चीज़ बड़ी नोट की है कि अक्ल समझ और पहचान बहुत ज़्यादा होती है अपने ओनर की, कि फौरन से देख के पहचान लेते हैं ओनर क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है और मेरा ओनर है भी कि नहीं, ये घोड़ों में स्पेशली। खैर परिंदों में तो मैं फिर जजमेंट करता रहता हूँ, लेकिन इनको भी 2-3 दफ़ा मैंने जब हॉर्स राइडिंग पे गया था तो एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि अक्सर इसके सामने अब जाता हूँ तो पहचान लेती है, वरना पहले इसका ये ऐसा सीन नहीं था। ये जो ग्रीनरी वैसे बहुत प्यारी लगती है देखें माशाल्लाह से, और ख़ास तौर पे जो थोड़ी थोड़ी जब सर्दी हो, बल्कि ज़्यादा ना हो, फ्रेश सुबह, तो गर्मियों में थोड़ा पसीना छसीने की वजह से हबस बनी होती है, थोड़ी सी टेंशन रहती है चलने फिरने घूमने को। यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है ये सारा। ये पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने किया हुआ है, खैर मुझे नहीं इल्म।
साथ में एक रेड़ी है, गधा रेड़ी, उसका व्हील टूट गया, कुछ सिस्टम ख़राब हो गया, उसकी सेटिंग को लगे हमें सुबह के। जोगी बच्चा पार्टी भाई रही है ग्राउंड में, क्रिकेट खेल रहा है, मैं यहाँ पे अक्सर शिकरे वगैरह को ट्राई देता होता हूँ। और अभी वहाँ पे भी मैंने सफाई करनी है, सामने घर में भी पानी वगैरह का छिड़काव करना है, परिंदे भी खोलने हैं तो वो भी खोलते हैं, सफाई सफाई पानी छानी भी डालते हैं सारा। बाकी हॉर्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इनके लिए अभी ऊपर छतें वगैरह डलनी हैं, यहाँ पे सिर्फ ये दीवारें हुई हैं, दरवाजे लगने हैं अभी सही से। तो आर्जी तौर पे भी काम किया है, मेल्स एक जगह पे, फीमेल्स एक जगह पे हो जाएंगी, ये मेल है और इस टाइम ये ज़मीन पे लेट के घट्टे मिट्टी में, तो इसका कलर चेक करें, ऑफ वाइट सा हुआ फिर रहा है। और वो जनाब शहजादा साहब लेटे फिर रहे हैं पीछे, इनको सोने के अलावा काम कोई नहीं है वैसे। अभी यहाँ पे छतें डलेंगे, इस साइड पे भी आ जाएगी, सामने ओपन आ जाएगा पानी छानी के लिए, इनके चारे के लिए भी, अभी जिसे हम खुरली बोलते हैं वो बनेगी। और ये सारा दिन यहाँ पे आज़ाद, खोल दिया ले गए बाहर, बंद रहे हैं, बंद आने वाला इनका सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। ये मेल है, ये अकेला रहेगा, फीमेल्स एक साइड पे रहेंगी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी हाइट अच्छी होगी, एक साल में ये माँ के बराबर हो चुकी हुई है इस टाइम, अभी ये एक साल से अबव है, एक साल और कुछ मंथ, दो तीन मंथ लगा लें ऊपर, और अच्छी हाइट है। हालांकि जो इसकी वो बहन है जो पानी में खड़ी है, वो दो साल से अबव है, ढाई साल की, लेकिन उसकी हाइट देख इस जितनी है बिल्कुल। लेकिन ये माशाल्लाह अभी एक साल की, अभी और हाइट करेगी, दो साल बाद इसके ऊपर बंदा राइडिंग करने के काबिल होगा। वेल, ये सारी जगह थी जहाँ पे सारा जानवर, ये डॉग्स इधर बंदे होते थे, रॉड जो हमारा टाइगर था और भी इंग्लिश पॉइंटर यहाँ पे घूमते होते थे, लेकिन अभी ये खाली जगह है, ईंटें वगैरह यहाँ पे मकान वगैरह बनेंगे और उधर सारा कुछ होगी चेंजिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।